सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो के लिए फिर से पहुंचे हैं जी गांव 2KHN तहसील पीलीबंगा और डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ ज्ञान प्रकाश भाई जी के घर पर आज फिर से पहुंचे हुए हैं जी। रेगुलर वीडियोस इससे पहले आप लोग अपने चैनल पर देखते रहते हो जी, सेल परचेज का भाई सब का काम है और अगर बात करें तो हर बार अच्छी से अच्छी गाय सस्ते दामों में भाई सब के पास देसी नस्ल की गाय साहीवाल थारपारकर ऐसी गाय सेल के लिए अवेलेबल भाई सब के पास रहती हैं। आज भी उसी तरह से है, लगभग टोटल 6 गाय है जो सेल के लिए अवेलेबल भाई सब के पास हैं। जैसे ओवरव्यू में आप लोग देख रहे हो जी, एक से बढ़कर एक अच्छी क्वालिटी की गाय है सभी की सभी। डिटेल बातचीत भाई सब के साथ करेंगे, उससे पहले जिन मेरे भाइयों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास वाला घंटी का बटन प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। आइए जी बातचीत करते हैं भाई सब के साथ। सत श्री अकाल जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, कैसे हो ज्ञान प्रकाश भाई? एकदम बढ़िया जी। बहुत अच्छी बात है। और घर परिवार काम काज बढ़िया जी? सब जी सब कुशल मंगल है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। नाम है जी ज्ञान प्रकाश, गांव का नाम 2KHN, VPO खोतावाड़ी लगता है, तहसील पीलीबंगा है, जिला हनुमानगढ़ जी। ओके जी, भाई साहब रेगुलर वीडियोस अपने चैनल पर आती रहती हैं जी। हाँ जी। इससे पहले अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 1-1.5 महीने का गैप पड़ गया जी। हाँ जी। उसमें क्या था कि सिर्फ आपको नहीं बोलूंगा कि सारे के सारे साहीवाल का जो बैच था जिन भाइयों की मैं वीडियोस बनाता था सभी में वो गैप था। हाँ, उसका कारण क्या, थोड़ा मंदा चल रहा था इससे पहले या क्या रीजन था उसका? मंदा, एक तो शुरुआती बरसात का सीजन, ऊपर से गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। हाँ जी। सफर में गाय जाती नहीं है, सही है, परेशान बहुत होती है। एक गाय जितना दूध यहाँ पे बोलते हैं अगर किसान के घर पे जाके ना निकाले तो उसमें बदनामी भी हमारी होती है। सही बात है जी। हाँ, तो इसी वजह से थोड़ा ये बोल सकते हैं कि काम होल्ड पर रखा गया था। हाँ है ना जी, जी? हाँ अभी जी। जैसे बारिश वगैरह हुई है। हाँ। आपके गंगानगर की अगर बात करें तो पास में रह गए, इधर तो बहुत ज्यादा बारिश, खूब बारिश हुई है जी। अभी भी अगर दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ऊपर आसमान आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा मौसम अभी भी बना हुआ है ना जी। और आज की बात करूं, टोटल 6 गाय है, साहीवाल और थारपारकर ब्रीड मिलेगी आज जी? हाँ जी, आज साहीवाल और थारपारकर। ओके, कितने दूध की एवरेज वाली गाय रह जाएंगी आज जी? मिनिमम 12 लीटर से लेके 16-17 लीटर तक की गाय। 12 लीटर से 16-17। हाँ जी। और दाम की कितनी का एवरेज रह जाएगी? 30,000 से लेके 65,000 रुपए तक। 30,000 से शुरुआत, 30,000 से लेकर 65,000 तक चला जाएगा जी। थार गाय ब्याई हुई कितनी है? 2 गाय ब्याई है। हाँ जी, 2 गाय ब्याई हुई है। और बाकी सभी की सभी ब्याने वाली? हाँ जी, ब्याने वाली। ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। देखो जी, सबसे पहली बात, हर बात भी कहता हूँ मैं, हर बार कहता हूँ भी, हम जो भी भाई गाय खरीदे हमारे यहाँ पे आके विजिट करके ब्याई हुई गाय मिल्किंग चेक करके फिर लेके जाए। और अगर कोई आदमी ज़्यादा जिसका बिजी शेड्यूल है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके लिए ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है। सही बात है जी। हाँ। जैसे हर बार वैसे आप बोलते हो, फिर भी कुछ भाई नहीं समझते, जैसे आपने बिजी शेड्यूल की बात की, कुछ हाँ भाई ऑनलाइन मंगवाते हैं। हाँ, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है? जैसे कोई गाय ब्याई हुई है तो दूध वगैरह मिल्किंग, लाइव मिल्किंग देख सकते हैं, वीडियो कॉल पर, कोई दिक्कत नहीं है ना जी? वैसे जी, फिर भी आपकी तरफ से ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट सुविधा अवेलेबल रहती है ना जी? ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। वैसे आज तक तो कभी कोई गौ माता में कंप्लेन आई नहीं है, ये आगे जी राम जी को पता है। आपकी ये बात भी बहुत अच्छी है, काफी वीडियोस मेरे हिसाब से 8-10 वीडियो से पहले हमने आपकी बनाई हैं जी। हाँ जी। और एक भी वीडियो ऐसी नहीं है कि जिस पर किसी भाई का नेगेटिव कमेंट आया हो, कि जो भाई आपसे कोई गाय खरीद कर लेकर गया हो जिन्होंने ये बात कमेंट में बताई हो कि गाय आपने जैसी बताई थी वैसी नहीं रही। नहीं जी, आज तक तो जी ऐसा कभी हुआ नहीं। ओके जी। हाँ जी। अब ऐसा कीजिए भाई साहब, एक एक करके गाय चला कर दिखाइए जी। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफ़ी हो गई, अब सिलेक्टेड गाय आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे जी। स्टार्टिंग करते हैं इस गाय से, क्वालिटी आप लोग अच्छी तरह देखकर चेक कीजिए, रंग रूप से बहुत अच्छी है, बॉडी क्वालिटी वज़न में बहुत अच्छी है, ब्याने में अभी काफ़ी टाइम लेगी। और ब्रीड आप लोग अच्छी तरह इसकी देख सकते हो, अडर का साइज़, शेप, आंचल का साइज़, गैप आप लोग अच्छी तरह देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लूज़ अभी अडर पड़ा हुआ है। ब्याने का टाइम जैसे आएगा तो दूध मेरे हिसाब से जैसा इसकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से अड़ रही गाय बना लेगी। डिटेल ज्ञान प्रकाश जी से जानते हैं। हाँ जी भाई, डिटेल बताइए जी। ये जी अब की बार तीसरी ब्यांद में ब्याएगी। कितना टाइम ले जाएगी जी? 6 महीने की गैप बिना जी। 6 महीने की गैप। हाँ जी। दूध से ड्राई हो गई?
अभी ड्राई हुई है जी, अभी हुई है। हाँ जी, इससे पहले वाले ब्यांत में कितना का दूध दिया जी? 12 लीटर दूध दिया जी। 12 लीटर दोनों टाइम। हाँ, थार पार्कर में पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल, थार पार्कर में। ओके जी, और इस बार दे देगी 12 से ऊपर? 13-14 लीटर दूध दे देगी। 13-14, क्योंकि आगे मौसम भी अच्छा आ जाएगा, है ना जी? हाँ जी, जब तक भी आएगी तो। और उसके बाद में बात आ गई मेन जी के, दाम क्या रखा गया सर इसका? 30,000 रुपए। 30,000? हाँ जी, मात्र 30,000 में देनी है। हाँ जी, मंदे का दौर चल रहा है, इसी वजह से दाम इतने कम कर दिए जाए। देखो, पैसे वाली देखो जी, किसान के घर से रीजनेबल मिली है। हाँ जी, ज्यादा कोई लोभ लालच नहीं है। ओके, अपना भी यही है जी, आगे किसानों को रीजनेबल ही मिले। सही बात, नाम से नहीं लूटना है जी। लोग थार पार करके नाम से लूटते हैं, नाम से नहीं लूटना है जी। ओके जी, इससे आगे दूसरी गाय, इससे आगे दूसरे नंबर पर साहिवाल का ये एक नगीना आप लोगों को दिखा रहे हैं जी। बछड़ी है भाई, सबसे ऑफ कैमरा बात हुई थी कि अभी खीरी है, मुंह से अदांत बोल सकते हैं जी, जिसे 18 महीने की एज है जी। क्वालिटी आप लोग अच्छी तरह देख सकते हो, रंग रूप की बहुत शानदार है, बॉडी का वजन बहुत अच्छा है, हाइट बहुत अच्छी ले रही है। डिटेल आगे भाई सबसे जानते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्वालिटी बछड़ी की आप लोग अच्छी तरह देख कर चेक कीजिए। नीचे से आंचल का साइज आप लोगों के सामने है जी, वो भी आप लोग देख सकते हो। डिटेल भाई सबसे जानते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ जी ज्ञान प्रकाश भाई, डिटेल बताइए जी। ये 18 महीने की बछड़ी है। 18 महीने की और दूध के दांत है जी। हाँ जी, खीरी है जी अभी मुंह से। खीरी? हाँ जी। हाँ जी, तो अभी गैपिंग तो नहीं हुई? नहीं जी, अभी हीट पे है ये। हीट पर आई थी, एक बार आई है। हाँ जी। ओके, और अगर बात करूँ तो माँ का दूध वगैरह कितना बताया गया जी? इसकी माँ जी आपकी पहली वीडियो में लगी थी। अच्छा जी, जब पहली वीडियो आपकी बनी थी। ओके, और वो जी अभी दूध निकाल रही है 22-23 लीटर। ओके, और इससे कितनी की उम्मीद है कि पहले बार कितना दे सकती है? 15-16 लीटर मिनिमम देना चाहिए जी। मिनिमम? ये S34 का रिजल्ट है जी। ओके, मैं भी यही पूछने लगा था कि सीमन के बारे में कोई है जानकारी। तो भाई सब क्या दाम रखा गया जी इसका? इसका जी 65,000 रुपए की देनी है। 65,000? हाँ जी। शांत स्वभाव है, एकदम कूल नेचर की। अगर प्योरिटी की बात करूँ तो आपके हिसाब से अगर प्योरिटी पूछी जाए तो कितने के परसेंट आप बोल सकते हो जी? 100 में से 100 है जी, 99 भी नहीं है। ओके, 65,000 से मान सम्मान हो जाएगा कुछ ना कुछ? थोड़ा बहुत है जी, ज्यादा नहीं है। मान सम्मान कर दिया जाएगा। हाँ। भी वो बड़ी छोट वाली बात नहीं रहेगी, मान सम्मान, मान सम्मान ही है जी। ओके जी, इससे आगे एक और गाय, इससे आगे तीसरे नंबर पर ये एक और ताजी ब्याई हुई गाय आप लोगों को दिखा रहे हैं जी। डिटेल भाई सबसे जानेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्वालिटी गाय की आप लोगों के सामने, प्योरिटी में नहीं बोलूंगा जी, कहीं ना कहीं क्रॉसिंग इसमें ज़रूर है। बच्चा भी सामने है जी, वो आप लोग देख सकते हो। डिटेल ज्ञान प्रकाश जी से जानते हैं। हाँ जी भाई, डिटेल बताइए जी इसकी। ये जी फर्स्ट ब्यांत में ब्याई है जी। पहले ब्यांत में कितने दिन की ब्याई है जी? ये होगी जी आज 13 दिन की ब्याई। 13 दिन की ब्याई और बच्चा बछड़ा है जी इसका। हाँ जी। कितने दूध पर है जी अभी? अभी जी इसके नीचे 14 से लेकर 16 लीटर के बीच में दूध तैयार है। 15 के अराउंड है जी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है जी। हाँ जी। और बढ़ सकती है? देखो जी, वो तो आगे सेवा करने वाले पे है। ओके, बढ़ेगी अगर इसकी खुराक अच्छी रखे तो और भी बढ़ेगी जी। क्या दाम रखा गया भाई इसका? इसका जी फिक्स प्राइस है जी 48,000 रुपए की। 48,000 बिल्कुल लास्ट रहेगा। हाँ जी। इसकी अगर ब्रीड की बात करूँ तो प्योरिटी में नहीं मेरे को लगी। नहीं जी, हल्की सी राठी में क्रॉस है जी। राठी में क्रॉस है, सही बात है जी। ओके, बांध दीजिए भाई, सब ले जाइए दोस्तों। 48,000 48,000 इसका दाम बताया गया जी। पहले ब्यांत में ब्याई हुई है, बच्चा बछड़ा है जी, और 15 लीटर के नियर दूध इसका बिल्कुल रेडी है जी। ब्याई हुई है तो दूध निकाल कर कोई भी भाई खरीद सकता है जी। इससे आगे एक और गाय, इससे आगे चौथे नंबर पर ये एक और गाय, बहुत टॉप क्वालिटी की गाय आप लोगों को दिखा रहे हैं जी। वजन में बहुत ज़बरदस्त है, और कहीं ना कहीं अगर ब्रीड की बात करें तो मेरे हिसाब से जितना कि मेरे को आइडिया थार पार्कर में देखने में लग रही है, बाकी डिटेल ज्ञान प्रकाश जी से जानते हैं। हाँ जी भाई, डिटेल बताइए जी। ये तीसरे ब्यांत में ब्याने वाली है। तीसरे ब्यांत में कितना टाइम ले जाएगी सर अभी? ये जी 7.5 महीने की अभी नहीं, 7.5 महीने की ब्रीड थार पार्कर ही है जी। हाँ जी, एकदम प्योरिटी में। ये जैसलमेर साइड की पुराने ब्लड लाइन की गाय है जी। ओके, और कितने के दूध वाली रही होगी सर इससे पहले? इसने सेकंड में 16 लीटर दूध दिया है। 16 लीटर? हाँ। अभी 1.5 महीना बाकी है जी, है ना जी? हाँ जी। और क्या दाम रखा गया सर इसका? इसका जी फिक्स है 50,000 रुपए की। 50,000? और एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि शांत स्वभाव बहुत है इसका, है ना जी? थार पार्कर का जी सबसे बड़ा नेचर यही है। सही बात है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह देख सकते हो, कोई गाय बंदी नहीं हुई, बिल्कुल खुली है, और भाई सब नीचे कैसे बैठे हैं,
बहुत शानदार क्वालिटी की गाय मेरे को दिखने में लग रही है, बाकी च्वाइस अपनी अपनी होती है। 50,000 फिक्स दाम रखा गया, ले जाइए भाई साहब बांध दीजिए। इससे आगे और गायों की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इससे आगे दोस्तों ये भाई साहब की एक और ताजी ब्याई हुई गाय आप लोगों को दिखा रहे हैं जी, बिल्कुल ताजी ब्याई है। इसी वजह से चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत मानती है, बच्चा सामने है, बछड़ी है मेरे हिसाब से। डिटेल ज्ञान प्रकाश जी से जानते हैं। हाँ जी भाई, डिटेल बताइए जी इसकी। जी पहले ब्यांत में ब्याई, पहले ब्यांत में कितने रोज की ब्याई होगी जी? आज तीसरा दिन है जी ब्याई को। तीसरा दिन, और कितने के दूध पर है जी अभी? जी 12 लीटर दूध निकाल रही है। 12 लीटर खीस अभी होगी है ना जी? हाँ जी। दे देगी 13-14? आराम 14 लीटर तो खुला देगी जी। 14 लीटर आराम से? हाँ जी। थोड़ा सा चलने फिरने में इसी वजह से दिक्कत मानती है क्योंकि ज्यादा थोड़ा सा जी बच्चे का करती है, है ना जी? हाँ जी। वैसे स्वभाव मेरे को शांत लग रहा है जी, जैसे आप नीचे बैठे हुए एकदम जी, मारने कूरने वाली कोई बात नहीं, एकदम शांत नेचर की है। ओके, क्या दाम रखा गया भाई इसका जी? हाँ जी, ये जी फिक्स है 53,000 रुपए की दे देंगे। 53,000 की लास्ट देनी है जी? हाँ जी। ओके जी, इसके बाद में इस गाय की डिटेल ऐसे ही बता दीजिए सर। ये कौन से ब्यांत वाली है जी? ये जी सेकंड लैक्टेशन में भी आएगी। कितने टाइम की गैप बिना अभी? ये जी इसका 1.5 महीना बाकी है जी ब्याने में। 1.5 महीना अभी लेगी। हाँ जी। और कितने के दूध वाली है जी ये? इसने जी फर्स्ट में 14 लीटर दूध दिया है। इस बार 15+ जाएगी? 15 से 16 लीटर दूध देगी। ओके जी, क्या दाम रहेगा जी इसका? इसका दाम है जी 48,000 रुपए की। 48,000। ओके जी, ज्ञान प्रकाश जी ये तो आज वाली अपनी गायों की डिटेल होगी। हाँ जी। हर बार जैसे वीडियोज लेकर आते हैं ऐसी क्वालिटी की गाय अपने पास मिलती रहती हैं जी, सस्ते दाम से लेकर अच्छी क्वालिटी तक। हाँ जी। ऑनलाइन ऑफलाइन का भी आपने बता दिया। हाँ जी। एक बात मैंने आपके घर पर नहीं देखी कि कोई कस्टमर इधर आकर गाय लेकर जाते हैं आपके पास से, जो सारे ऑनलाइन ही बेचते हो जी? बहुत कम चांस है जी यहाँ पे आके लेके जाते हैं, लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ भी यहाँ पे आके लेके जाओ। हाँ जी। और जितनी भी अपनी गौ माता गई है लगभग बढ़िया पोस्ट घरों में जाती है। ओके। बढ़िया आदमियों के घर पे जाती है। अच्छी बात। सेवा वाली जगह जाती है, और वो भी एक अपना मेन कारण ये भी है, कस्टमर देख के ही गाय देते हैं। अगर बढ़िया कस्टमर है तो ही गाय देते हैं, अगर ये लगता है ये सेवा नहीं कर सकेगा या फिर आदमी काम करने गाय दो नंबर वाला आदमी जैसे लगता है तो उसके साथ गाय नहीं देते, नहीं होती। सही बात है जी, ये बात जरूरी देखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ व्यापार लाइन को मेन नहीं रखना चाहिए। अगर भारतीय मूल गौवंश की हम बात करते हैं तो इनके प्रति जो प्रेम है उसका भी भावना कहीं ना कहीं मन में रखनी चाहिए जी, इसका एक ये भी कारण है। एक तरीके से तो हम गाय को माँ बोलते हैं, गौ माता है। हाँ जी। और अगर हम भी व्यापार सभी सारी दुनिया करती है, लेकिन इनमें एक चीज बड़ी यह भी, अगर हम खरीदने बेचने वाले अगर गलत काम करने लग जाएंगे सही है, तो फिर वो मातृत्व का भाव कहाँ पे है? सही बात है जी। ओके जी, एक बार फिर से अपना प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दोबारा बता दीजिए। नाम है जी ज्ञान प्रकाश, गांव का नाम दो केचन, VPO खोतावाड़ी लगता है, तहसील पीड़ी मंगा जी, जिला हनुमानगढ़ है जी। ओके जी, फोन नंबर? मोबाइल नंबर है जी 87692-90501। ओके जी। 88240-40501। ओके जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हाँ जी दोस्तों, नंबर भाई साहब का स्क्रीन पर चल रहा है जी, जिस भी भाई को किसी भी तरह की गाय की डिमांड आपकी हो उसी तरह की गाय आप लोग यहाँ से खरीद सकते हो जी। अगर वीडियो अच्छी लगी, भाई साहब का काम अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आने वाली और वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्पॉटिंग।